वो भी जो हमें देखना है वो ग्राफ देखना है कि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ किस तरह से बन रहा है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेन एक्स का पीरियड क्या होता है। टेन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई होता है, जैसा कि साइन और कॉस एक्स की केस में हमने किया था। हमें जो ग्राफ है वो जीरो से लेके टू पाई के बीच का बनाना पड़ा और ग्राफ उसके बाद रिपीट कर रहा था क्योंकि इन दोनों का जो पीरियड है वो पाई है, वो टू पाई है। क्योंकि टेन एक्स का पीरियड पाई है तो इस वक्त अगर हम ग्राफ सिर्फ जीरो से लेके पाई के इंटरवल में भी ड्रॉ करेंगे तब भी वो खुद को रिपीट करेगा क्योंकि ग्राफ पीरियोडिक है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे दो केस में। पहला केस ये होगा कि जब एक्स की वैल्यू लाई कर रही है पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे पाई बाय फोर पुट किया तो आउटपुट जो आया वो आ गया टेन इनवर्स ऑफ वन। टेन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू आ जाती है पाई बाय फोर। तो एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं, जैसे टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय थ्री। तो टेन पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है रूट थ्री। तो इस तरह से टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई बाय थ्री। तो हमें क्या पता लगा, जो हमने पाई बाय फोर पुट किया हमारा आउटपुट भी पाई बाय फोर आया। एक्स की जगह हमने पाई बाय थ्री पुट किया तो हमारा आउटपुट भी पाई बाय थ्री आया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एक्स की वैल्यू जब जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में लाई करेगी उस टाइम पे जो हमारा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, हम इसको एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में देखें, जब x की वैल्यू लाई कर रही है पाई बाय टू से लेके पाई के बीच में, तो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं, जैसे कि थ्री पाई बाय फोर पे, तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन। अब क्योंकि टेन इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स की फैमिली का है तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस पाई बाय फोर। इसी तरह से अगर हम देखें कि टेन इनवर्स ऑफ टेन टू पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है तो टेन जो है फिर दोबारा नेगेटिव होगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री और आउटपुट जो है वो आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। इस चीज़ को अगर हम लोग इनपुट जो है थ्री पाई बाय फोर उससे रिलेट करें तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है कि थ्री पाई बाय फोर में से पाई माइनस हो जाए या फिर टू पाई बाय थ्री में से पाई माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर एक्स की वैल्यू लाई कर रही है दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई बाय टू से लेके पाई के बीच में, तो जो हमारा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, उसको हम लोग इनपुट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स माइनस पाई। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, पहले ड्रॉ करेंगे जीरो से पाई बाय टू के बीच में, फिर पाई बाय टू से लेंगे पाई के बीच में। तो इस टाइम पे जो फंक्शन है वो वाई इक्वल्स टू एक्स है और जो इस टाइम पे फंक्शन है वो है वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। तो यहाँ से ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स की जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी, ग्राफ पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू तक जाएगा। अब पाई बाय टू अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय टू, यानी कि ग्राफ जो है वो यहाँ कहीं से चालू होगा और ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये पाई बाय टू कॉमा माइनस पाई बाय टू, और अगर मैं पाई पुट करूँ तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद के इंटरवल में क्या होगा, ग्राफ जो है वो खुद को रिपीट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के कॉर्नर से चालू होते हुए गया है, तो सेम उसी तरह से ये यहाँ तक जाएगा और उसके बाद थ्री पाई बाय टू से लेके टू पाई के बीच का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, ये एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं होंगे किसी भी टाइम पे,
हम इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी जो ये क्लोज ब्रैकेट है, ये इसको ओपन कर ले, और ये यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है आप वहाँ पे उसको ओपन कर लें। और इस तरह से आप टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।